गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे से हैं? आप अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। तो बच्चों, एक हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स आपका जो कंटिन्यू हम सॉल्व क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, इसी क्रम में आज हम एक्सरसाइज अभ्यास 2.5 और वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो प्रश्न क्रमांक 2.5 एक्सरसाइज का है, निम्न का वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चों, हमारे पास संख्या क्या दी गई है? 441/625। हमारे पास संख्या क्या है बच्चों? 441/625। ये कैसे रूप में आप सब जानते हैं, ये भिन्न रूप में हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं, तो हम इसे दी गई संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। तो हल में हम इसे वर्गमूल में संख्या को लिख लेंगे, जैसे 441/625 बराबर रूट ऑफ वर्ग, इसको वर्गमूल बोलते हैं, 441/625। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 441 का और 625 का अलग अलग क्या निकालेंगे? वर्गमूल। किस विधि से? भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। तो हम यहां 441 लिख लेंगे स्टूडेंट्स, 441। ओके, फिर इसके बाद में कितना है? 441। इसके बाद में आपका है 625। कितना है स्टूडेंट्स? 625। ये 625 रूल मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि रूल इसमें क्या होता है बेटा, रूल इसमें क्या है वो आप देखेंगे। तो यहां बच्चों 441 का वर्गमूल निकालेंगे और यहां 625 का। मैंने विधि आपको समझाई थी, आपकी विधि क्या है वर्गमूल निकालने की, नियम क्या है? नंबर एक, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हम दाएं तरफ से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमने 41 इसमें एक पेयर बना, वन पेयर, एक जोड़ा एक समूह। 625 तीन अंक है, इसमें भी एक जोड़ा बना, एक आपका ग्रुप समूह बना और 6 आपका सिंगल, इसमें भी 4 सिंगल। मैंने क्या बताया था बच्चों कि हम इसके जोड़े तो बनाएंगे राइट हैंड साइड से और इधर से हमने इसे स्क्वायर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, जैसे कितना है 4, यदि हम 2 × 4 2 का गुणा करें तो 2 × 4 ये कितना हुआ है 4, कितना बचा? कुछ नहीं, 2 प्लस कर देंगे। नियम क्या है? जिसको हम भाग देंगे वर्गमूल में रखेंगे उसका हम गुणा भी करेंगे, जिस संख्या का भाग, जैसे हमने क्या किया 2 × 4 गुणा किया, तो 2 का हम प्लस भी करेंगे वर्गमूल में जो रखेंगे। तो हमने क्या किया 2 और 2 4। ओके, अब यहाँ हम 41 नोट करेंगे क्योंकि हमारे पास पेयर बन गया, 41 का हमने जोड़ा बनाया है, पेयर बनाया है, तो हम उसको नोट कर देंगे 41। अब बच्चों हम स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ आपकी कौन सी है दशम, 41 है और यहाँ आपका कितना है 4। यदि हम यहाँ 1 रखें और यहाँ 1 रखें वर्गमूल का भाग दें, वर्गमूल में 1 रखें, 41 का 1 से गुणा करेंगे तो 41 एकम 41, 1 का 1 से करें 1 एकम 1, 1 का 4 से करें तो 1 × 4 = 4, तो ये आपका कितना आ गया 41 एकम 41। ओके स्टूडेंट्स, इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, ये कितना हो गया 1 और 1 प्लस किया जोड़ दिया तो कितना आया 2 और 4। अब इसके बाद में इसी प्रकार से हम 625 को लेंगे, तो आप स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पे 625 में हम क्या करेंगे 6, तो हम क्या करें 625 यहाँ रख लेते हैं जिससे दिक्कत नहीं आएगी, 625। अब यहाँ क्या करेंगे 2 × 4 2 × 4 कितना बचा 2, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया तो बच्चों कितना बचा 2, यहाँ 2 प्लस कर देंगे कितना हो गया 4। अब हम क्या नोट करेंगे 25, यहां देख रहे हैं हम 4 बचा,
जोड़ने पर चार हो गया और हमने जोड़ा उतारा प्यार नोट किया तो कितना आया 225। अब कितनी हो गई संख्या 225। हम ऐसी संख्या का गुणा करेंगे बेटा बच्चों जिससे कि उसका इकाई का अंक 5 हो। अब जैसे मान लीजिए 225 है, यदि हम जहाँ हमारे पास टोटल ए प्लस हमने किया 2 और 2 4, हम ऐसी संख्या को तुरंत सोच लेंगे, ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ट्रिक है, जैसे यहाँ कितना है 5, तो हमारी 5 विषम में यदि हम 5 का 5 से गुणा करें 25, इसका मतलब 5 हमें मिल रहा है इकाई का अंक। तो हम यदि 5 से गुणा करके देखें तो हो सकता है हमारा क्लियर ही हो जाए। तो हमने ये गुणा किया 25 और 25 25, कितना 5, यहाँ से 2, 5 और 20 और 2 22। ओके स्टूडेंट्स, 225 माइनस 225 कितना बचा, 225 में से 225 गया शून्य, 0 आया। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया 625 का वर्गमूल 25 और 441 का 21, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना आया हमारा वर्गमूल बेटा 441 बटे 625 का वर्गमूल कितना निकला 21/25, ये हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, नियम को आप ध्यान में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी मेथड से अन्य भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे और वीडियो तो आपको भेज ही रहे हैं, इसके बाद पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने इसी मेथड पर, आगे के वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा, तो आप उसको पेयर वर्क करें, कंप्लीट करें और दूसरी आप अभ्यास करें, एक्सरसाइज करते रहें, रिपीट करें, तो आपको सरलता होगी बेटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम कल कुछ टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें बेटा, ओके, और अपना वर्क अध्ययन करते रहें। ओके, कल मिलते हैं बेटा, ओके, गुड बाय, थैंक यू बेटा।